अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शफी, तो आप लोग देख रहे हैं शफी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है बजट गेमर्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ग्राफिक कार्ड के ऊपर जिसका नाम है GTS 450। इट्स GTS नॉट GTX, क्योंकि GTX एक अलग सीरीज़ है और GTS एक अलग सीरीज़ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो आज की वीडियो में आप लोग इस ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस और स्पेक्स के बारे में बताऊंगा। तो यार, हमेशा की तरह आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके कर ले प्लीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड की लॉन्च डेट की। तो ये जो ग्राफिक कार्ड है 2010 में लॉन्च हुआ था, यानी बहुत पुराना ग्राफिक कार्ड है। तो तकरीबन इस ग्राफिक कार्ड को 9 साल हो चुके हैं। तो ये ग्राफिक कार्ड, 9 साल पुराना ग्राफिक कार्ड, क्या हमें 2019 में लेना चाहिए गेमिंग के लिए, हाँ या ना? तो इस वीडियो को आगे देखिए, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो अब बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के स्पेक्स की। तो सबसे पहले इसके शेडर की बात करें, शेडर जो है इसका 5.0 है, जो बहुत ही अच्छा है अभी के हवाले से। और जो इसका ओपन जेल है वो है 4.5 ग्रेड। और जिसकी जो बेस क्लॉक है वो है 783 मेगाहर्ट्ज। तो बात करते हैं इसकी मेमोरी की। तो इस ग्राफिक कार्ड की जो मेमोरी है वो 1 GB यानी 1024 MB है। अगर 2 GB होती तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन 1 GB भी काफ़ी है गेमिंग के लिए। लेकिन अगर आप बजट गेमर हैं तो 1 GB भी आपके लिए काफ़ी है, इनफ है। तो बात करते हैं इसकी मेमोरी टाइप की। जो इसकी मेमोरी टाइप है वो है GDDR5, यानी कि बहुत ही अच्छी है कि अब तक की बड़ी गेम्स को चलाने के लिए GDDR5 ग्राफिक कार्ड ही चाहिए। तो यार देखिए, ये 2019 है, तो 2019 में ना आप GDDR3 जैसे ग्राफिक कार्ड्स को देखें ही ना, क्योंकि GDDR3 अब पुराने हो गए हैं। अब GDDR5 का टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी के टाइम पे आपको बड़ी गेम्स जैसे Battlefield 5 या PUBG PC जैसी बड़ी गेम्स चलानी है तो आपको DDR5 सपोर्ट ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि DDR5 का 1 GB वाला वेरियंट आपको DDR3 2 GB वाली वेरियंट से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। हाँ, तो अब आ जाते हैं इस ग्राफिक कार्ड के मेमोरी बस की। तो इसकी जो मेमोरी बस है वो है 128 बिट्स, यानी कि बहुत ही अच्छी है कि आपको गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल ही जाएगी। क्योंकि अब तक जो पुरानी ग्राफिक कार्ड्स हैं उनमें तकरीबन 64 बिट तक मेमोरी बस हुआ करती थी, लेकिन वह 64 बिट आपको इतनी गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगी, लेकिन इसमें 128 बिट है तो ये ग्राफिक कार्ड आपको गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो अब बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के डायरेक्ट एक्स वर्जन की। तो इसमें जो डायरेक्ट एक्स वर्जन है वो है 12.0। ये तो बात होगी इस ग्राफिक कार्ड के स्पेक्स की। तो अब आ जाते हैं इस ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस के ऊपर। तो इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस आपको अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में 4.5K से लेकर 5K तक देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर पूरी मार्केट घूमेंगे तो इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं आपको 4.5K तक भी देखने को मिल जाएगा, अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो। तो आप जब भी मार्केट जाया करें तो ज़्यादातर शॉप्स घुमा करें, क्योंकि क्या पता किसी ऐसी शॉप पे आपका लक अच्छा है तो आपको ज़्यादा सस्ती चीज़ मिल जाए और अच्छी भी चीज़ मिल जाए दूसरी दुकान से। तो आप ज़्यादातर दुकानें घुमा करें, इससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 2-3 शॉप्स घूमते हैं और देखते हैं कि उनमें दोनों तीनों शॉप्स में एक ही प्राइस बता रहा है, तो वो चीज़ उसी से ही फिर खरीद लेते हैं। तो ऐसा मत किया करें, कम से कम भी 7-8 शॉप्स घुमा करें, क्योंकि क्या पता किसी ऐसी शॉप पर आपको वो चीज़ उन शॉपकीपर से ज़्यादा सस्ती हो, वो शॉपकीपर से ज़्यादा सस्ती आपको दे रहा हो। ऐसा नहीं होता, आप ज़्यादातर शॉप ढूंढा करें, क्योंकि आप पता किसी शॉप पे आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाए तो इसमें आपका ही फायदा होगा। अब तो बातें हो गई इस ग्राफिक कार्ड के स्पेक्स और प्राइसेस की। तो अब बात कर लेते हैं क्या ये ग्राफिक कार्ड हमें 2019 में लेना चाहिए गेमिंग के लिए, हाँ या ना। यार अगर आप मेरा ओपिनियन माने तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, यही राय दूंगा, अगर आपके पास एक लो बजट है, आपके पास ज़्यादा बड़ा बजट नहीं है, तो फिर आप ये ग्राफिक कार्ड ले सकते हो। अगर ग्राफिक कार्ड DDR5 सपोर्टेड हो, यानी आपको गेमिंग अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर आप ज़्यादा बड़ी गेम्स नहीं खेलते, अगर आप GTA 5 या CSGO या Fortnite जैसे इनफैक्ट गेम खेलते हैं, तो ये ग्राफिक कार्ड आपके लिए बहुत ही ओके है, क्योंकि ये 1 GB DDR5 सपोर्टेड ग्राफिक कार्ड है और ये आपको एक गेमिंग में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और ये आपके 2 GB DDR3 वाले ग्राफिक कार्ड से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा। तो आप इस पर GTA 5 और CSGO जैसी गेम्स बहुत ही ईजिली 720p सेटिंग्स पे बहुत ईजिली खेल सकते हैं और आपको इसमें कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। ओके तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। तो मेरी आज की वीडियो बस इतनी ही थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद कीजिएगा।